टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। मोहम्मद सफर, तहसील संवाददाता, बजाग, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश। डिंडोरी कलेक्टर ने सोमवार को बैठक लेकर की टीकाकरण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा, ग्राम बिजोरी का किया दौरा। डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि जिले में 27 सितंबर को प्रदेश के साथ साथ जिले में भी कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान 4 चलाया जाएगा। यह महाअभियान कोविड-19 टीका के प्रथम डोज का 100% टीकाकरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है। टीकाकरण टीम अधिक संख्या में शेष बचे लोगों के अनुसार उन ग्रामों में भ्रमण कर और तिराहा चौराहा में टीकाकरण करेगी। इस महाअभियान में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, धर्मगुरुओं और सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। कलेक्टर श्री झा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित टीकाकरण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारी कर्मचारियों को उक्त निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, SDM डिंडोरी महेश मंडलोई, SDM शाहपुरा काजल जावला, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रमेश मरावी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर संतोष शुक्ला सहित टीकाकरण से संबंधित सभी जिला और जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। 7 बजे ही पहुंचेगी टीकाकरण टीम। कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्थापित टीकाकरण केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारी टीकाकरण की स्थिति के संबंध में नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में टीकाकरण के लिए शेष बचे व्यक्तियों की संख्या अधिक है, उन ग्रामों में विशेष कार्य योजना के साथ टीकाकरण किया जाएगा। जिन ग्रामों में टीकाकरण अधिक संख्या में शेष है, वहां सुबह 7 बजे ही टीकाकरण टीम पहुंच जाएगी, ताकि सभी का टीकाकरण किया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि 27 सितंबर को इस महाअभियान के दौरान प्रथम डोज का टीकाकरण 100% हो जाना चाहिए। इस अभियान में आवश्यकता अनुसार लोगों के घर घर जाकर भी टीकाकरण किया जाएगा। टीवी में आपका स्वागत है। कितनी बिजोर में आज टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है और इसमें जिले से पूरी टीम लगी हुई है, गांव के लोगों का भी सहयोग है। सब लोग, जितने लोग बचे हैं, सबका टीकाकरण का काम चल रहा है। बस वही देखने आए हैं कि कैसा चल रहा है, यहाँ पे लोगों का कैसा रुझान है, टीम किस प्रकार से काम कर रही है, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है। ये सब दिमाग से मत सोचो, ऐसा कोई कमजोरी नहीं आना इससे, इससे तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ रही है। सब पूरा टाइम जंगल घूमते रहते हैं, कमजोरी आती है, इसमें लगाना जितना जंगल की कटाई हो रही है, यही बिछोरी गैस है, भलो हो जाएगा सरकार का लगा दी दूर से। दूर से ना। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए,
हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं।